और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर जारी है। गोलीगादी के जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और खबर यह भी है कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर है जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ये आतंकी भी मार गिराए जाएंगे। गादी एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवादियों के बीच में एक मुठभेड़ जो है शुरू हुई है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्स द्वारा लगाया गया है। माना जाता है कि 2 से 3 आतंकवादी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जो है एक लेसा एरिया में इनकाउंटर जो हुआ था, उसमें 3 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया था। उसके भी जो रात का समय है और मगर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और डोडा से हमारे संवाददाता उमर जावेद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उमर, इस वक्त क्या अपडेट है? सर, अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ये तकरीबन 5:15 बजे के दौरान जो है एक सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो शुरू हुई थी। ये जो बिलेसा में इनकाउंटर हुआ था 1 हफ्ते पहले, तो उसके बाद जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट मिल रहे थे कि इस एरिया में और भी आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं। तो उसके बाद लगातार जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है लगा है। तो उसके बाद जो है आज शाम को जो है 5:15 बजे के करीब जो है आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में एक आमना सामना हुआ, जिसमें कि कुछ फायर चले। तो उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया में जो है लगाया गया है सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।